भाजपा के कार्यकर्ता से रुपए छीनने के मामले में जीआरपी के थाना प्रभारी और दो दरोगा समेत 6 लोगों पर गिरी गाज। बीजेपी का कार्यकर्ता चंदोसी रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए आया था, जिसके पास 71,000 रुपये थे। थाना अध्यक्ष एमएफ खान ने उसे हिरासत में लिया और इसके बाद उससे उनके 3 सिपाहियों ने 71,000 रुपये छीन लिए। मोहम्मद फिरोज खान और दो उप निरीक्षक चंदेल व गिरीश मिश्र पर को निलंबित कर दिया गया है। साथ में सिपाही हेमंत, वसीम और आकिल, इन तीनों को भी तत्काल निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विशाल चौहान ने इस मामले को पूरे संज्ञान में लिया और अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। मुरादाबाद मंडल उपाध्यक्ष रोमी चौधरी भी जिनके साथ रहे और अपने पूरे साथियों के साथ उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से अंजाम दिया। देखिए वहां से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। दरअसल एक युवक है अंकित बजाज का लड़का है, वो यहाँ पानी पीने के लिए आया तो एक कांस्टेबल है जीआरपी में, वो उसको अपने साथ अंदर पकड़ कर ले गए, उससे पूछताछ की, उसने बता दिया मैं पानी पीने आया हूँ। तो उन्होंने उसको जब देखा कि ये उसको बाजार का लड़का है, उसके पास पैसे हैं, तो उन्होंने उसको लॉकअप में बंद कर दिया और उस पर अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए। वो बेचारा डर गया, उसका मोबाइल छीन लिया और उसको कहीं कॉल नहीं करने दिया। उसके बाद उसके जो लगभग 80,000 रुपये उसके पास थे वो छीन लिए और उसमें ये 4 लोगों के नाम उसमें संज्ञान में आए हैं जो यहाँ प्रभारी हैं। SS खान है शायद उनका नाम, FA खान और दूसरा नाम है, दो कांस्टेबल हैं, वसीम और आकिल और एक हेमंत। ये लोग इनके नाम संज्ञान में, इन्होंने पैसे छीने, उसे मारा पीटा और पूरी रात उसको लॉकअप में रखा। हमने जब अभी जानकारी यहाँ कर पता किया तो MF खान ने ये कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, बोले हम आपको पैसे वापस दे देते हैं और ये मामला रहा। हमने कहा अगर पुलिस जहाँ जनता आप लोगों के पास संरक्षण के लिए आती और आप ही लोग लूट करेंगे। इस मौके हम जीआरपी के आरोपों में मैंने अभी जो SP जीआरपी हैं उनसे बात की है, उन्होंने तुरंत CO जीआरपी को भेजा है, अभी मेरे पास कॉल आ गया, वो अभी यहाँ आ रहे हैं। हम पूरे मामले को उनके संज्ञान में हमने डाल दिया है और एक लिखित तहरीर उनके विरुद्ध हम दे रहे हैं। जो भी उन्होंने कहा है जो भी कानूनी कार्रवाई होगी आज ही वो कानूनी कार्रवाई मामले में आने के बाद सामने आ रही है। जीआरपी लूट तो करती है लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये लोग। दरअसल हम सब लोग जब पहुंचे तो वो होपलेस हो गए, चूंकि उन्होंने घटना की थी तो इसको नकार तो वो नहीं सकते थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये संगठित लूट कर रहे थे। ये जो प्रभारी है SS खान, इनके नेतृत्व में ये संगठित लूट कर रहे थे। और भी मेरे मामले में संज्ञान में आया कि एक RTO है बदायूं, उनके ड्राइवर से भी इन्होंने 70,000 अभी 3-4 दिन पहले लिए। ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं होंगी, जो अभी आला अधिकारी आ रहे हैं इसका खुलासा किया जाए। अब हमारी ये जानकारी मिली कि किस प्रकार एक युवक को अंदर पानी पीने आया था और उससे 70,000 रुपये इन्होंने लूट लिए और उसे इतना डराया धमकाया कि उससे पता नहीं सादा कागज पर क्या लिखवा लिया और उसे डरा के भेजा और ये तक कह दिया कि सावन निकल जाए उसके बाद दावत करना, उसे नंबर दे दिया। तो हमने जब वार्तालाप हुई हमसे पीड़ित के संग आए तो हमने कहा ऐसा साहब ये घटनाएं एक नहीं है, अनेकों घटनाएं हैं जो हमें जानकारी मिली है। क्योंकि बाहर का व्यक्ति अगर कोई लुटपुट जाता है तो वो कुछ डर के वजह से या कमजोरी के वजह से वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो इत्तेफाक था कि वो लोकल का व्यक्ति था, अपने लोगों को बताया तो हम सब लोग जागरूक लोग यहाँ पर आए, पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता अगर सब लोग उसके अंदर संज्ञान में डाला। तो ऐसे साहब कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं। हमारी मांग यह है कि जिस प्रकार ये लूट का गैंग चला रहे थे SO साहब यहाँ FA खान साहब, मैं उच्च अधिकारियों से मांग करना चाहता हूँ जो अवगत करा दिया कि इनकी भी जांच कराई जाए, क्योंकि SO जिम्मेवार तो यही है SO जीआरपी के, वो 4 के साथ साथ इनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये गिरोह बंद जो चल रहा था कहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो, आसपास से नजीर बने, इनके खिलाफ जांच हो। लूट की है उसके उसके इनके लिए लूट का मुकदमा कायम कर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की।